हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ हरियाली अमावस्या स्पेशल गेहूं के आटे के मीठे चले की बहुत ही शानदार रेसिपी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए अब बिना कोई देर किए शानदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। गेहूं के चिले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कटोरी गेहूं का आटा, जिसको कि मैंने छान लिया है। यह नॉर्मल गेहूं का आटा है, बारीक मोटा कोई भी चलेगा। और जिस कटोरी से आप गेहूं का आटा लेते हैं सेम उसी कटोरी की साइज से आपको आधी कटोरी चीनी लेनी है। एक कप आटा, आधी कटोरी चीनी, जितना आप आटा लेंगे बराबर उसका आपको आधी चीनी लेनी है। दो इलायची का पाउडर। अब हम सबसे पहले इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी, हमें थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी ऐड करना है। सारा पानी आप इसके अंदर एक साथ नहीं डालें। ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और इसका एक अच्छा सा स्मूथ सा बैटर हमें रेडी करना है। बिल्कुल पोरिंग कंसिस्टेंसी का हमें बैटर बनाना है, इसमें किसी भी तरह का कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने बैटर यहाँ पर बनाकर रेडी कर लिया है। मैंने इसके अंदर टोटल एक गिलास पानी का यूज़ किया है। ये एक गिलास पानी मैंने पूरा ले लिया है इसके अंदर। ये गोल मुझे थोड़ा सा लिक्विड लग रहा है, आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी और कम कर सकते हैं। वैसे इसके भी मीठे चिले बहुत अच्छे बनकर रेडी होंगे। अब 30 मिनट तक इसे रेस्ट करने देंगे। 30 मिनट बाद आप देखेंगे चीनी आटे के अंदर बहुत अच्छे से डिजोल्व हो गई है। हमने इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए इसलिए छोड़ा था ताकि हमारा बैटर जो है काफ़ी फ्लफी हो जाए और चीनी भी इसके अंदर बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाए। हम यहाँ पर चाहें तो चीनी का पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन हमें बैटर को भी फ्लफी होने के लिए थोड़ी देर छोड़ना पड़ता है। अब यहाँ पर मैंने लिया है एक लोहे का तवा, जिस हमें तवे को पहले हल्का सा गर्म होने देना है, बहुत ज़्यादा नहीं। जब तवा हल्का सा गर्म हो जाए उसके बाद हम तवे को बहुत अच्छे से ऑयल या घी से ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे ये बैटर। आप देख सकते हैं वो बैटर कितना अच्छा पोरिंग कंसिस्टेंसी में है, ये डालते से इतने अच्छे से फैल रहा है। उसके बाद मैंने कटोरी में थोड़ा सा पानी लिया है, इसके अंदर इस तरह से फिंगर्स को डिप करते हुए जाएंगे और फिंगर्स की हेल्प से इस तरह से इसे राउंड राउंड फैलाते जाएंगे, इससे कि आपके फिंगर्स के निशान जो है इस मीठे चीले के ऊपर नज़र आए, जैसे कि हमारी मम्मियाँ वगैरह बनाती हैं सेम उसी तरीके से। आप ये कोई कंपलसरी स्टेप नहीं है, आप चाहें तो यहाँ पर अपने फिंगर्स की जगह चम्मच से भी इसे अच्छे से फैला सकती हैं। देखिए जब थोड़ा सा इसका ऊपर से कलर चेंज होने लगे उसके बाद आप इसे ऑयल या घी से फिर से अच्छे से ग्रीस कर दें। मैं यहाँ पर ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। जैसे इसका ऊपर से कलर थोड़ा चेंज हो जाए और थोड़ी थोड़ी जब ये साइड छोड़ने लगे उसके बाद ही आप इसे पलटें, क्योंकि इसको पलटना बहुत आसान नहीं होता, थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है ये। और जो बिगिनर्स हैं उनको मैं इन मीठे चीले बनाने के लिए कुछ खास टिप्स देना चाहूँगी। वो इस चीले को फिंगर्स की हेल्प से बिल्कुल भी ना फैलाएं, वो चम्मच को उल्टा करके ही इस बैटर को फैलाएं तवे पर, जैसे कि हम डोसा बनाते हैं सेम उसी तरह से चम्मच को उल्टा करके, वरना आपकी उंगलियाँ जो है वो जल सकती हैं। उसके अलावा आप चीले को छोटा से छोटा बनाने की कोशिश करें, बड़ा बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप बैटर को बड़ा फैला भी लेते हैं तो आप उसे टर्न नहीं कर पाएंगे। जैसे आप इसे टर्न करने की कोशिश करेंगे आपका चीला जो है तवे पर ही टूट फूट जाएगा। देखिए मैं कितने हल्के हाथ से इसे बना रही हूँ, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता से हमें इसे बनाना होता है और बहुत ही हल्के हाथ से इसे अलट पलट करना होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी और बहुत ही आसानी से टूट जाता है। और इस तरह से हल्के हाथ से इसे प्रेस करते हुए अलट पलट करते हुए इसे सेकना होता है लो टू मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए हमारा एक मीठा चीला बनकर बिल्कुल रेडी है। मैं आपको बिल्कुल पास से बताती हूँ, हमारे यहाँ पर इसे रेलिया के नाम से भी जाना जाता है, आपके यहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब फिर से हम इसके ऊपर तवे को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करेंगे। जब आप तवे को ऑयल से ग्रीस करते हैं उस टाइम पर आपका तवा जो है नॉर्मल गर्म होना चाहिए, मतलब गैस का फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए। उसके बाद आप इसमें बैटर को डालें और बैटर डालने के बाद इस तरह से आप फिंगर्स की हेल्प से जो एक्सपर्ट हैं वो इस तरह से फैला लें इसे, इससे कि इसका शेप जो है इसका डिज़ाइन जो है वो बहुत अच्छी बनेगी, आपके फिंगर्स के निशान इस पर नज़र आएंगे। और इस तरह से ठंडे पानी के अंदर अपनी फिंगर्स को डिप करते जाएं और फिर से फिंगर्स की हेल्प से इसे इस तरह से गोल गोल फैलाएँ। कंटिन्यू आप इसे फिंगर्स की हेल्प से ना फैलाएँ जो एक्सपर्ट है वो भी, वरना आपकी उंगलियाँ जल जाएगी।
और जैसे इसका कलर ऊपर से थोड़ा सा चेंज होने लगे या फिर जैसे जैसे ये साइड छोड़ने लगे, आप थोड़ा सा उसको साइड से और ऊपर से फिर से ऑयल से घी से ग्रीस करें। ऑयल या घी आप इसे किसी में भी बना सकते हैं, जो आपकी चॉइस। और बहुत ही हल्के हाथ से चारों तरफ से इस तरह से आपको इसकी साइड्स को छुड़ाना है। स्पैचुला और चम्मच की मदद से आप ये काम करें ताकि आपका काम बहुत ही अच्छे से हो पाए। ये देखिए इस तरह से इसे हल्के हाथ से प्रेस करते हुए इसको अच्छे से सेकना है। इसे बनाना तो आसान होता है लेकिन इसे अलटना पलटना इतना आसान नहीं होता है। ओवरऑल इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है बिगिनर्स के लिए, लेकिन ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। हमारे यहाँ पर हरियाली अमावस्या के दिन ख़ास तौर पर ये रेलिए ही बनाए जाते हैं, इसको कि हम लोग कड़ी के साथ खाते हैं। आपके यहाँ पर इसको किस चीज़ के साथ खाया जाता है और इसे किस नाम से जाना जाता है आपके यहाँ पर, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए मैंने आपको अभी दो चीले इस तरह से बनाकर बताए हैं फिंगर्स की हेल्प से। जब आपको लगे कि हमारा तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो आप इस तरह से तवे के ऊपर ठंडे पानी के छींटे डालें और उसके बाद आप इस तरह से बैटर को डालें, और बैटर डालने के बाद आप चाहें तो चम्मच को उल्टा करके और इसे तवे पर अच्छे से फैला लें, या फिर पहले की तरह इस तरह से फिंगर्स की हेल्प से इसे फैला लें। जब तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो उस टाइम पर आप बैटर न डालें, आप इसके ऊपर पानी के छींटे ज़रूर लगाएं, वरना आपका चीला जो है वो तवे के ऊपर बहुत बुरी तरह से चिपक जाएगा और वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। जब आप बैटर डालते हैं उस टाइम पर आपका तवा जो है नॉर्मल गर्म ही होना चाहिए, और जब आप इसे सेकते हैं उस टाइम पर आपके तवे का टेम्परेचर, गैस का टेम्परेचर जो है वो मीडियम होना चाहिए, तवा मीडियम गर्म होना चाहिए उस टाइम पर जब आप इसे सेक रहे हैं। और जब ये ऊपर से थोड़ा सा सीख जाए, इसका कलर चेंज हो, उसी टाइम पर आप इसे ऊपर से ऑयल से ग्रीस करें, उसके बाद इसे टर्न करें। और इसे टर्न करते हुए बहुत ध्यान रखिएगा वरना आपका चीला जो है वो टूट सकता है। बहुत ही अच्छे बहुत ही शानदार चीले बनकर रेडी होते हैं ये। हमारे यहाँ पर हरियाली अमावस्या के दिन खास तौर पर इसे बनाया जाता है और हम कड़ी के साथ इसे खूब इंजॉय करते हैं। आप देख सकते हैं इस चीले पर छोटे छोटे से छेद दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमने इसको डोसे की तरह बनाया है, तवे के ऊपर छींटे डालकर उसके बाद इसे बनाया था, इसलिए ये थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है। बस अब हमारे चीले बनकर बिल्कुल रेडी है, अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। और आपके यहाँ पर हरियाली अमावस्या के दिन कौन सी स्पेशल रेसिपी बनाई जाती है मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मीठे चीले थोड़े से ऑयली ही बनते हैं लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं कड़ी के साथ। इसी तरह की अच्छी अच्छी और इजी रेसिपीज मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। बहुत जल्द मिलूंगी आपसे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।